हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी भोपाल से कर रहा है और जिसका ब्रांच सिविल है बेटा, तो उसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेटा। और इससे पहले मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम लोग सोम कहते हैं, मैकेनिकल वालों के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। तो अगर कोई बच्चा मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग कर रहा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं, आप जाकर अपना वीडियो देख सकते हैं। और सिविल वाले बच्चे क्या करेंगे भैया? कंटिन्यू करेंगे। अब एक बात आप समझना, सिविल के बच्चों को मैं खास करके कह रहा हूं, ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपका बेटा बेसिक सब्जेक्ट है। मतलब आप एज अ सिविल इंजीनियर ये वाला सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा करके लेटरल एंट्री से एंट्री लिए हैं, है ना, तो उनका बहुत समय नुकसान हो गया एडमिशन प्रोसेस में। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं, है ना, जिनका अभी बहुत सारा पेपर बैक भी लगा हुआ है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को। तो फिलहाल मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि मिनिमम आपको कितना पढ़कर जाना चाहिए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बस मैं बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, लेकिन आप एक बात समझना, एग्जाम खत्म होने के बाद जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, है ना, जो बच्चा मेरे कोर्स में है चाहे बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा है बेटा, तो आप क्या करना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अच्छे से पढ़ना ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। देखो एक बात आप समझिएगा, जैसे कि सबसे पहला जो बेसिक सब्जेक्ट होता है वो होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब होता क्या बेटा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बच्चे पढ़कर नहीं आते, तो मैं थोड़ा सा मेकअप करने की कोशिश करता हूं कहां पर, सोम में, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, मतलब मान के चलो 50%, क्योंकि मैं पूरे तरीके से मैकेनिक्स में आ नहीं सकता। लेकिन अगर आप सोम को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के टॉस जो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है वहां पर फंस जाओगे। तो मैं थोड़ी सी चीजें यहां पर संभाल दे रहा हूं, लेकिन आगे चीजें संभलेंगी नहीं, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। देखिए बेटा यूनिट वन में आपके तीन चैप्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दिस इज योर चैप्टर नंबर वन, ठीक है बेटा। इसके बाद इसी में जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका इलास्टिक कांस्टेंट, ये भी एक चैप्टर, इसमें ही बहुत सारे टॉपिक्स है बेटा, दिस इज योर चैप्टर नंबर टू। और इस इलास्टिक कांस्टेंट में क्या है, डेरिवेशंस भी है। हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, रुक जाओ पहले इसे बता देता हूं, ठीक है। चैप्टर टू इसमें क्या है, आपका डेरिवेशन भी है। और इसमें जो तीसरा चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दिस इज योर चैप्टर नंबर थ्री। तो बेटा एक बात आप समझना, यूनिट नंबर वन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कितना परसेंट? 100% आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यूनिट वन से अगर दो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, दो क्वेश्चन में चार क्वेश्चन होते हैं बेटा, तो मान लो अगर तीन क्वेश्चंस भी यहां से आ जाते हैं तो आपका 21 मार्क्स हो जाएगा। और अगर मेरा प्यारा बच्चा यहां से चार क्वेश्चन बन जाए तो 28 मार्क्स हो जाएगा। तो यूनिट वन को आपको इग्नोर नहीं करना है, यूनिट वन आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक बात आप समझिएगा, अगर सोम की बात की जाए तो इसमें तीन चीजें हैं। पहला जो पार्ट है वो है थ्योरी का, दूसरा जो पार्ट है बेटा वो है डेरिवेशन का, और तीसरा पार्ट है न्यूमेरिकल का। अब एक बात आप समझना, न्यूमेरिकल क्या है ना, धोखेबाज है। न्यूमेरिकल क्या है, धोखेबाज है। पता चला अपन पढ़ के गए किसी और टाइप का न्यूमेरिकल, वो किसी और टाइप का पूछ देगा, क्योंकि यहां पर एक बात समझना, लिमिटेशन कुछ भी नहीं, न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से दिमाग लगाकर वो पूछ सकता है बेटा। इसलिए न्यूमेरिकल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लेकिन न्यूमेरिकल क्या है, बेवफा है, ठीक है। आपका दोस्त कौन है बेटा, आपका दोस्त है थ्योरी और आपका दोस्त है डेरिवेशन, क्योंकि इसमें ये मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, चाहे वो डेरिवेशन के तौर पे हो चाहे वो थ्योरी के तौर पर हो, तो यहां पर वो चेंजेस नहीं कर सकता है। तो थ्योरी और डेरिवेशन जहां पर भी है आप उससे उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना आप न्यूमेरिकल को दे रहे हैं, क्योंकि सिविल का सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछता है मैकेनिकल वालों से। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि भाई साहब थ्योरी आप अच्छे से करेंगे, डेरिवेशन आप अच्छे से करेंगे, न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल कभी कभी थोड़ा सा मिस हो जाता है,
है ना। लेकिन अगर आप थ्योरी और डेरिवेशन अच्छे से कर जाओगे तो वो मिस नहीं होगा, है ना। और यूनिट वन में चैप्टर नंबर टू में कुछ डेरिवेशन हैं जो मैंने करवाए हैं, वो आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर यूनिट वन आपको पूरा पढ़कर जाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए बेंडिंग एंड सियरिंग स्ट्रेस पे। बेंडिंग स्ट्रेस में भी एक डेरिवेशन है और सियरिंग स्ट्रेस में भी क्या है, डेरिवेशन है। तो यहां पर ये वाले जो चैप्टर के डेरिवेशन है ये आपको कर लेना है बेटा। और यहां पर जो क्वेश्चंस है ना, जो आपके न्यूमेरिकल है, वो थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू यूनिट नंबर वन, ठीक है। तो यूनिट टू आप अच्छे से करें, अगर एक आध न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रहा तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, उतना भी परेशान नहीं होना। मगर मानकर चलो कि 80% आप अच्छे से कवर कर लेना, इसके थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल को भी अच्छे से पढ़ना, डेरिवेशन को भी अच्छे से पढ़ना। और एक आध न्यूमेरिकल अगर कुछ अलग हटके आ जाए, क्योंकि देखो होता क्या, बच्चे फंसते कहाँ है, यहाँ पे टी सेक्शन का न्यूमेरिकल पूछ देता है। अब बच्चों को टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आ रहा है, अगर आप टी का निकालना सिखा दो तो फिर आई का पूछ रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है अगर आपने मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है तो। तो यहां पर मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूंगा, यूनिट वन आप बहुत अच्छे से पढ़े, जो आपका न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, डेरिवेशन है। यूनिट टू में बेटा आप थ्योरी और डेरिवेशन को अच्छे से करके जाना। अगर न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल तो ईजी है, लेकिन अगर एक दो न्यूमेरिकल मिस हो जाता है तो रोना नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा उसके बाद आप आ जाना यूनिट नंबर फोर में, ठीक है, और यूनिट नंबर थ्री भी आप पढ़ सकते हो। तो ये यूनिट नंबर थ्री का आप बेसिक स्टडी कर सकते हो, क्योंकि यूनिट नंबर थ्री क्या है, टफ है। और यूनिट नंबर थ्री को पढ़ने के लिए आपको एसएफडी एंड बीएमडी का कंसेप्ट होना चाहिए। तो आप देखना जो बच्चे कोर्स लिए हुए हैं, मैंने वहां पर एसएफडी बीएमडी करवाया है, ठीक है। तो आप यहां पर बेसिक स्टडी कर सकते हैं यूनिट नंबर थ्री का, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक स्टडी भी करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर फोर का। तो अगर थ्री को अभी हम होल्ड में रखें, अगर हम थ्री को अभी होल्ड में रखें, मानकर चलो कि अगर आप यूनिट वन टू, उसके बाद आप फोर क्या करना बेटा, फोर में देखो एक चैप्टर ये है कॉलम एंड स्ट्रट, यहां पर आपके कितने डेरिवेशन है, तीन से चार या तो दो डेरिवेशन है, तो यहां पर दो डेरिवेशन आप अच्छे से कर लोगे, थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक और चैप्टर है थिन प्रेशर वेसल, ये चैप्टर नंबर टू है आपका, इसको भी आप अच्छे से कर लेना, न्यूमेरिकल इसके इजी है, थ्योरी भी इजी है बेटा। और एक और चैप्टर है यहां पर थ्योरी ऑफ फेल्यूर, चैप्टर नंबर थ्री, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि यहां पर जो भी डेरिवेशन है, जो भी थ्योरी है और जो भी न्यूमेरिकल है, इसको आप क्या करो, 100% कर लो। तो अगर आप इतना कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आपका फेल होने का डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना, यूनिट वन, उसके बाद यूनिट टू, लेकिन कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो आप छोड़ देना, घबराना मत, ठीक है। लेकिन यूनिट थ्री में क्या, सॉरी यूनिट फोर में आप क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यूनिट फोर एक ऐसा है जहां पर मैकेनिक्स का यूज नहीं होना है। तो अगर आप पीछे कुछ नहीं भी पढ़कर आए तो ये आपको समझ में आएगा, इसको आप अच्छे से कर लो, इसमें थ्योरी डेरिवेशन जो भी कर लो, आराम से आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या करना है बेटा, इसके अलावा यूनिट नंबर फाइव का आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, यहां पर आपका डेरिवेशन है, इसे आप कर लो, इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है, इसे आप कर लो, ठीक है। भले ही चाहे हो तो आप अनसिमेट्रिकल बेंडिंग छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। इतना अगर आप कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। और साथ ही साथ बेटा देखो यूनिट नंबर थ्री टफ है, तो इसका आप बेसिक स्टडी कर लेना, इसका आप क्या कर लेना बेटा, बेसिक स्टडी कर लेना, आपका काम बन जाएगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या, ये आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। देखिए यूनिट नंबर वन जिसमें तीन चैप्टर्स हैं, ये आपको 100% करना है, ठीक। चलिए यूनिट नंबर टू जिसमें दो चैप्टर्स हैं, इसको कम से कम आप 80% कवर कर लेना, कुछ न्यूमेरिकल जो आपके सर के ऊपर से जाए उसको आप स्किप कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड का। तो यूनिट नंबर थर्ड में आपके तीन चैप्टर्स हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है 100%। 100% का मतलब क्या है साहब, थ्योरी हो, डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी छोड़ना नहीं, ठीक है। अगर आप इतना करके जाते हो तो आप सेफ हो, लेकिन क्योंकि बेटा हो सकता है आरजीबीवी क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे कर दे, हो सकता है चीजें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी कर दे आपके लिए,
तो आप क्या करना बेटा, प्लस में यूनिट नंबर 5 का जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग टॉर्सन ऑफ शाफ्ट कहते हैं, ये आप कर सकते हो, और यूनिट नंबर 3 का बेसिक आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, इतना तो आप एग्जाम के लिए पढ़कर चले जाओ बेटा, लेकिन जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो यूनिट नंबर 3 में जो आपका कंसेप्ट है एसएफडी बीएमडी का, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको आगे यूज होगा। ये जो एसएफडी बीएमडी है ये आपका आगे के लिए क्या है बेटा, बेस है। तो इसको आप भले ही कर लेना बाद में, लेकिन कर जरूर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है भाई साहब। तो इतना आप पढ़ लीजिए, है ना, और ज्यादा मत घबराना, ठीक ठाक न्यूमेरिकल पूछता है, जितना आपसे बन सकता उतना आप कीजिए, अपना 100% दीजिए बेटा, रिजल्ट का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब भैया जिस बच्चे का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, चाहे आपका ब्रांच मैकेनिकल हो चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स मेरे पास अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल देता हूँ डेमो लेक्चर्स का, साथ ही साथ मैथमेटिक्स 3 का भी आपका कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कर सकते हो, लेकिन एक बात समझ में आ गया, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं पता कितना पढ़कर जाता, मैं यूनिट 1 पढ़ता, यूनिट 2 पढ़ता, यूनिट 3 पूरा अच्छे से पढ़ता, ठीक है, और उसके बाद यूनिट 5 का जो पहला चैप्टर है टॉर्शन ऑफ शाफ्ट में उतना तो कम से कम पढ़कर जाता, और अगर अगर समय बचता तो यूनिट नंबर 3 का जो थोड़ा सा बेसिक वगैरह है वो मैं कर लेता, क्योंकि यूनिट नंबर 3 क्या है, टफ है ना, उसके लिए आपको पूरा एसएफडी बीएमडी आना चाहिए, मैकेनिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ठीक है। फिलहाल मैंने क्या बोला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात करी है, तो सिविल वाले बच्चे घबराए नहीं, जितना मैंने भी पढ़ा है आप अच्छे से पढ़कर जाओ, नोट्स अच्छे से बनाओ, एग्जाम ठीक ठाक जाएगा, और आफ्टर एग्जाम एसएफडी बीएमडी पे थोड़ा कमांड आप क्या करना, गेन कर लेना, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।